चिनहट में सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ का मामला। सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा था देह व्यापार का धंधा। विदेशी लड़कियों से कराया जाता था देह व्यापार। डिमांड पर दिल्ली से मंगाते थे विदेशी लड़कियां। लग्जरी इन में पुलिस टीम ने की थी छापेमारी। 4 महिला समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 उज्बेकिस्तान की महिलाएं भी चढ़ी हत्थे। राजा और उदित शर्मा चला रहे थे सेक्स रैकेट। चिनहट के विकल्प खंड इलाके का है मामला। नव भारत समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। कल देर रात थाना क्षेत्र चिनहट में विकल्प खंड 3 में लग्जरी इन नाम का एक रूम था। यहां पर मुंबई के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि यहां पर सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है। इस पर जो थाना पुलिस की जो टीम थी वो मौके पर दबिश करती है। जेसीपी यूनिटी खंड जिसका नेतृत्व करते हैं और मौके से टोटल 10 लोगों की अरेस्टिंग किया जाता है, जिसमें बाद में जब पूछताछ की तो पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम अफजल खान उर्फ राजा है, जो अवैध रूप से सेक्स रैकेट चलाता है, और एक व्यक्ति है ललित शर्मा जो उस ओयो रूम का ओनर है। ये दोनों व्यक्ति सेक्स रैकेट चलाते हैं। ये लड़कियों को बुलाते हैं और इनसे सेक्स रैकेट का संचालन करवाते हैं। इन गिरफ्तारियों में जो 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं इनमें 4 महिलाएं हैं। इन 4 महिलाओं में 2 महिलाएं विदेशी नागरिक हैं। दोनों से पूछताछ में पता चला कि ये ताशकंद उज्बेकिस्तान की रहने वाली महिलाएं हैं। जब थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि राजा इन महिलाओं को दिल्ली से बुलाता था। किन परिस्थितियों में बुलाता था, कैसे बुलाता था, पैसे का लेन देन कैसे होता था, इसके बारे में अभी छानबीन चल रही है। पैसों का ट्रांजैक्शन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता था, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होते थे। क्लाइंट्स को सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से बुलाया जाता था और डायरेक्ट राजा जो अफजल खान राजा इसका जो मास्टर माइंड है, किंगपिन है, वो इस पूरे इसको संचालित करता था। सुसंगत धाराओं में थाना चिनहट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज सब इन लोगों का रिमांड इन लोगों को न्यायिक हिरासत में आज भेजा जा रहा है और जो भी साक्ष्य संकलित किए गए इसके आधार पर आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा।